हेलो एवरीवन, वेलकम टू चेतनाज लाइफस्टाइल। फ्रेंड, जैसा कि आप सभी को पता है कि टोनर लगाना हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। बहुत से लोग टोनर बिल्कुल भी अप्लाई नहीं करते हैं, तो ऐसे में उनकी स्किन में डलनेस आने लगती है और ड्राइनेस आने लगती है। और टोनर को दिन में 3 से 4 बार हमें इस्तेमाल करते रहना चाहिए। और अभी तो वैसे भी समर है, तो समर में हमारी स्किन को बहुत ज़्यादा मॉइस्चराइजेशन की ज़रूरत पड़ती है, हाइड्रेशन की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो लोग ज़्यादा पानी नहीं पी पाते हैं तो ऐसे में स्किन में डलनेस आ ही जाती है कहीं ना कहीं। तो ऊपरी जो परत होती है हमारी स्किन की, तो उस लेयर को भी हमें बार बार से टोनिंग करने की ज़रूरत पड़ती है। यानी कि हमारी स्किन में ऊपर से भी हमें कुछ ऐसी लिक्विड चीज़ें डालनी पड़ती है, जिसके कारण हमारे जो भी ओपन पोर्स होते हैं स्किन में, वो अच्छे तरीके से हाइड्रेशन प्रोवाइड कर सकें और अच्छे तरीके से ग्लो उनमें आ सके। तो आज मैं जिस प्रोडक्ट की बात आप सभी के साथ में करने वाली हूँ, वो है गुड वाइब्स का अर्गन हाइड्रेटिंग फेस टोनर। और ये इस तरह की पैकेजिंग में आता है। और ये जो टोनर है, ये 120 ml क्वांटिटी के साथ में आपको मिलेगा। नो पैराबिन, नो सल्फेट, क्रुएल्टी फ्री ये प्रोडक्ट आपको मिलता है। और ये जो प्रोडक्ट है, ये बहुत ही ज़्यादा मुझे अच्छा लगा पर्सनली, क्योंकि मैं जब भी अपने फेस को मॉर्निंग में वॉश करती हूँ, उसके बाद में मैं 2 पंप टोनर से अपनी स्किन को टोन कर लेती हूँ। और काफ़ी ज़्यादा मुझे हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है ये। और अर्गन ऑयल है, तो अर्गन ऑयल हमारे बालों और स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिट्स लेकर के आता है। तो इसमें जो भी इंग्रेडिएंट्स हैं, वो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन प्रोवाइड करते हैं स्किन में, और बहुत ही अच्छी तरीके से नमी हमारे स्किन में आ जाती है। और दोस्तों, टोनर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप मार्केट से टोनर नहीं ले सकते हैं, तो आप घर पर भी टोनर को ईजिली बना सकते हैं। वो वीडियो भी मैं आप सभी के साथ में बहुत ही जल्दी शेयर करूंगी कि घर पर आप टोनर को कैसे बनाएं। और ये जो टोनर है, ये पर्सनली मुझे बहुत ज़्यादा अच्छा लगा, क्योंकि जब भी मैं इससे अपने फेस को टोन करती हूँ, तो काफ़ी ज़्यादा हाइड्रेशन मुझे मिलता है इससे, और जो भी ओपन पोर्स होते हैं वो मिनिमाइज हो जाते हैं। और ये जो प्रोडक्ट है, ये 120 ml की क्वांटिटी के साथ में आता है। 175 rupees इसका MRP है, और आई थिंक ये मुझे 175 rupees से कम में ही मिला था। मैंने इसे पर्पल से ही मंगवाया था और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा। तो इस प्रोडक्ट की डिटेल को देखते हैं। ये है गुड वाइब्स अर्गन हाइड्रेटिंग फेस टोनर, और इसकी क्वांटिटी है 120 ml। ये प्रोडक्ट नो पैराबिन, नो सल्फेट और क्रुएल्टी फ्री प्रोडक्ट आता है। 1 ईयर इसकी शेल्फ लाइफ है, और इसका MRP है 175 rupees, लेकिन ये मुझे MRP पर बिल्कुल भी नहीं मिला है। ये फेस टोनर आपकी स्किन में बहुत ही अच्छे तरीके से नरिशमेंट प्रोवाइड करता है, साथ ही साथ आपकी स्किन को ग्लोई बनाता है, और जो भी आपकी स्किन में पोर्स होते हैं उनको ये टाइटन करता है, और काफ़ी फर्म आपकी स्किन लगने लगती है। क्योंकि ये जो टोनर है, ये अर्गन टोनर है, तो अर्गन हमारी स्किन और बालों के लिए बहुत ही अच्छा काम करता है, और मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा इसका रिज़ल्ट। और आप इसके जो भी इंग्रेडिएंट हैं बाकी, वो आप देख सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा टोनर का रिज़ल्ट, और आप डेफिनेटली इसे परचेज़ कर सकते हैं, क्योंकि इसमें अर्गन है, अर्गन से बना हुआ टोनर है, तो अर्गन बहुत ही अच्छा वर्क करता है स्किन के लिए, बालों के लिए। तो आप इसे ज़रूर से एक बार परचेज़ कीजिए। एंड ये जो प्रोडक्ट आता है, ये इस तरह की पंप बॉटल में आता है, ये आप देख सकते हैं। और अभी मैं इससे अपने फेस को टोन करूँगी, एंड आप देख सकते हैं, और अब ये अपने आप ही ड्राई हो जाएगा और काफ़ी ज़्यादा ग्लो स्किन में प्रोवाइड करेगा। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगा, और इसकी जो पैकेजिंग है वो बहुत अच्छी है। आपके जब ये जो प्रोडक्ट फिनिश होगा, तो ये पंप बॉटल आपके बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। तो इसे बिल्कुल भी ना फेंके, आप इसमें अपना जो DIY टोनर बनाएंगे, वो आप इसमें फिल कर सकते हैं, और ईजिली 6 से 7 दिन तक आप इसे फ्रिज में रख कर यूज़ कर सकते हैं। और इसकी जो पैकेजिंग है, ये मुझे बहुत ज़्यादा अच्छी लगी। और लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी दोस्तों, कि आप ज़रूर से टोनर लगाएं अपनी स्किन पर, क्योंकि टोनर लगाना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। और मैंने अपने चैनल पर बायोटिक टोनर का भी रिव्यू शेयर किया हुआ है, तो आप उसे भी जा कर के देखिए, क्योंकि वो भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा टोनर मुझे लगा था। लेकिन मैं आप सभी के लिए डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स यूज़ करती हूँ, ट्राई करती हूँ, ट्राई करने के बाद में मुझे जो प्रोडक्ट अच्छा लगता है, वो मैं आप सभी के साथ में शेयर भी करती हूँ। तो मैंने सोचा था कि ये प्रोडक्ट काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, तो आप
सभी के साथ में शेयर करना चाहिए। और टोनर लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप दिन में 3 से 4 बार टोनर को लगाइए, अपने फेस को वॉश करने के बाद में आप टोनर लगाइए तो ज़्यादा अच्छा इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। और दोस्तों इसकी जो फ्रेग्रेंस है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी है, काफ़ी माइल्ड फ्रेग्रेंस आती है इसकी, और वो सबसे अच्छी बात है। और आप देख सकते हैं इस तरीके से आप जब एक पंप आप डालेंगे तो काफ़ी ज़्यादा, और ये बहुत काफ़ी अच्छे तरीके से हाइड्रेशन प्रोवाइड करता है, प्लस थोड़ा बहुत ग्लो भी इससे आता है स्किन पर। तो दोस्तों आज का जो ये रिव्यू है आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइए। अगर आपको अच्छा लगता है तो लाइक ज़रूर कर दीजिए, शेयर कीजिए मेरे इस वीडियो को, एंड चैनल को सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल भी ना भूलिए।